हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच चुके हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी करंटली दुनिया का लार्जेस्ट स्टैचू है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑनर में बनाया गया है और ये बना है एकता नगर गुजरात में। अगर हम इसकी हाइट की बात करें, इट इज़ 182 मीटर्स और ये नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। इस स्टैचू को बनाने में हमें टोटल 5 ईयर्स लगे थे और जिसकी टोटल कॉस्ट 3000 करोड़ के आसपास आई थी। अगर हम बात करें इसमें टिकट की, तो देर आर 3 टाइप ऑफ टिकट्स। बेसिक एंट्री टिकट जो 150 रुपीज़ है, व्यूइंग गैलरी टिकट विच इज़ 380 रुपीज़ पर इंडिविजुअल, और एक एक्सप्रेस एंट्री टिकट है जो कि 1030 रुपीज़ की है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इस स्टैचू को बनाने के लिए इंडियन फार्मर्स का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था कि उन्होंने 129 टन्स ऑफ स्क्रैप आयरन डोनेट किया था इस स्टैचू को बनाने के लिए। और अब आगे, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के हार्ट में, जो कि 135 मीटर्स की हाइट पे है। यहाँ पे हमें सबको इकट्ठा करके इस स्टैचू के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की गई, जिसमें उन्होंने पूरे बिल्ड के अराउंड बताया गया। बट व्हेन आई टर्नड अराउंड, तो कुछ ऐसा व्यू था जहाँ से मुझे सामने सरोवर, सरदार सरोवर का व्यू मिल रहा था विद द नेचर अराउंड इट। बहुत ही प्यारा व्यू था और इतनी हाइट पे था कि यू कैन फील द विंड। तो हम हाई स्पीड लिफ्ट लेके ऊपर आए थे और सेम लिफ्ट लेके हम नीचे पहुंच गए विद इन 30 सेकेंड। और ये हम आ गए हैं वल्लभ भाई पटेल के पैरों की तरफ, जो कि लेवल 2 है। और अब हम ऊपर जाएंगे फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए। यहाँ से आपको सामने डैम का व्यू मिलता है, एट द सेम टाइम रिवर व्यू तो है ही, और पूरा स्टैचू भी दिखता है। देख सकते हैं आप, अभी हम ऊपर की तरफ से नीचे आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सीनिक व्यू है चारों तरफ। जैसे ही आप उनके पैर पे आते हैं तो आप रिवर का पूरा व्यू ले सकते हैं, एट द सेम टाइम उसके आसपास जितने भी माउंटेन्स हैं। और हम बारिशों के टाइम पे गए थे तो बहुत ही प्यारा व्यू था एंड वी रियली इन्जॉयड इट। सो हमने फाइनली स्टैचू ऑफ यूनिटी देख लिया है और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अगर आप देख सकते हैं, हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और अब हम यहाँ से हेड करेंगे दिल्ली की तरफ। और दिल्ली जाने का जो यहाँ से डिस्टेंस है, दैट इज़ अराउंड 1100 और 1200 किलोमीटर्स। सो हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 24 आवर्स तक रेगुलरली ड्राइव करके जाने वाले। छोटे छोटे हॉल्ट लेंगे जहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे बीच में, हो सकता है होटल लें, हो सकता है ना भी लें, कि हम गाड़ी में ही सोए। सो बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि अब हम दिल्ली की तरफ, हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी से। और अगर आप वहाँ राइट हैंड साइड पे वो बिल्डिंग देखेंगे छोटी सी, वो फूड कोर्ट है जहाँ हमने जाके खाना खाया था। और अभी हम दिखाएंगे आपको आने वाले कुछ मिनट में हमने क्या क्या खाया, और फूड क्वालिटी वाज गुड ओवरऑल। और वो सामने डैम है, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे ही है डैम, और इसीलिए उनकी मूर्ति यहीं बनाई गई है। और ये देखिए शॉट, भाई साहब कितने नीचे हैं भाई ये बादल, घने बादल हैं, घदल। ऑलरेडी बारिश हो रही है और इनको देख के लगता है और ज़्यादा बरसने वाली है। ये देखिए बहुत हाई माउंटेंस नहीं है, बट एट द सेम टाइम बादलों की जो डेंसिटी है वो बहुत डार्क है और बहुत ही नीचे है, मज़ा आ गया। वहाँ पे अगर आप देखेंगे, वहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन है, ये बोट भी चलती है जिसकी टिकट आपको लेनी पड़ती है, जो आपको नर्मदा रिवर में घुमाती है, क्रोकोडाइल पॉइंट पे लेके जाती है। और ये हमारा सत्तू है, ये हमें बाहर का रास्ता दिखाएगा, इज अ गाइड फॉर अस। ये यहाँ पे ऑटोमेटिक एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं, जो अगर आप ओल्ड एज हैं या फिर आपको चलने का मन नहीं है या फिर अगर बारिश हो रही है जैसे अभी करंटली हो रही है बाहर, तो देर आर शेड्स ऑन टॉप, सो आप इसको यूज़ करके भी एग्जिट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, जहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। और हमने ये ई रिक्शा यहाँ से किया है पार्क से, ये पेड सर्विस है। जब हम गए थे हम बस से गए थे, बस वॉज अ फ्री सर्विस इंक्लूडिंग इन योर टिकट। ये हमारा पेड सर्विस है। क्या मज़ा आ रहा है भाई? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप यहाँ पे प्राइवेसी के साथ बैठ सकते हो, घूम सकते हो, मस्त। चाहो तो आप बस की बदबू नहीं आती, बस की बदबू नहीं आती, वेट नहीं करना, नो वेटिंग नहीं करना। चाहो तो आप आपके जो होस्ट है रिक्शे में, उनको बोल के 20 रुपया के फोटो भी ले सकते हो। और टोटल चार्जेज है 110 रुपीज फॉर वन राइड। और सबसे अच्छी बात, मैम हमें जाके ड्रॉप करने वाली है। फाइनली हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम विद माय फैमिली। टेंट सिटी खुला है ना? हां भाई, टेंट सिटी में रेट्स क्या है कुछ पता आपको? तो मालूम नहीं, हम ड्रॉप करते हैं।
भाई के हिसाब से टेंट सिटी का रेट है 15,000 रुपये पर नाइट। हाँ, और उसमें बहुत सारे फूड तो होता ही है और एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है, और मेरे ख्याल से जो वहाँ से टिकट लोगे ना वो यहाँ पर खुद लेके आते हैं। अच्छा, तो मतलब स्टैचू की टिकट और यहाँ की जितनी एक्टिविटीज़ सब इंक्लूडेड। हाँ, पर वो पर पढ़ लेना उनकी वेबसाइट पर, वेबसाइट पर जाके डू विजिट। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पर टेंट सिटी का भी ऑप्शन है, बहुत अच्छा कैंपिंग ऑप्शन है, सो आप यहाँ पर डेफिनेटली आके विजिट कर सकते हैं। इच्छाधारी गाड़ी दूर से अर्टिगा थी, पास जाके इनोवा निकली, इच्छाधारी थोड़ा सा फिर वडोदरा जाएंगे सीधा, फिर वडोदरा वाले हाईवे पकड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे। वो सही कह रहे थे कि जब तुम पहले आ रहे थे ना वडोदरा से, हम लेफ्ट मारते तो पहले यहाँ होके निकल जाते सूरत। अब हम जाएंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे पकड़ेंगे। गोल्डन दोबारा बोलिए एक बार। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता और चौथा क्या गोल्डन में, गोल्डन में भाई नॉर्थ में होगा ना, जम्मू साइड होगा। नहीं नहीं, दिल्ली है ऊपर सबसे। अच्छा, सबसे ऊपर बड़ी चार सिटी जो जोड़ता है, दिल्ली कोलकाता मुंबई हाँ, और हैदराबाद है क्या, हैदराबाद नहीं जाती, बैंगलोर हो सकता है। हाँ, बैंगलोर हो सकता है, पुणे भी तो जाती है। ये देखिए आप, ये देखिए क्या रेलवे फाटक, पूरा पहाड़ के बीच में छेद कर दिया। ये देखिए आप देखिए, अरे ट्रक वाले भैया आ गए। ये मेरे को लग रहा है मांझी का काम होगा भाई। हाँ, पहाड़ काट दिया उसने भाई, पूरा पहाड़ काटा है उसने भी, ऐसे ही काटा था भाई। हाँ, बीच में रोड निकालने के लिए अपनी। ये देखिए ये पहाड़ यहाँ से यहाँ जा रहा है, और वहाँ मांझी था, यहाँ का आयरन मैन का नाम ढूंढते पहले कौन था वो। लंबा सफर है, क्या गजब मौसम है, और एप्पल म्यूजिक के साथ बस हम चलते जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो फिलहाल है हमारा घर। पर मजा बहुत आ रहा है गाड़ी चलाने में, खाली हाईवे है, इतनी बढ़िया रोड्स हैं और इतना जबरदस्त मौसम है। हम कल से ही बारिश में ही चलते जा रहे हैं, राइट। मतलब अगर हमने 2000 गाड़ी चलाई है तो इसमें से 1200 किलोमीटर के आसपास तो हमने सिर्फ गाड़ी बारिश में चलाई है, उसके बाद भी रोड्स इतने बढ़िया है, मतलब जहाँ ट्रैफिक जाम नहीं है जगह जगह पे, और सीनिक ड्राइव है भाई, मजा आ गया रोड ट्रिप का। और गुजरात में तो जाम भी नहीं हो रहा, जाम नहीं दिखा, जाम मिल भी नहीं रहा भाई। बारिश के मौसम में भाई मजा तो आया वैसे, नहीं रोड ट्रिप में मजा है, पहाड़ों में मत जाओ बट प्लेन्स में जाने का अपना मजा है यार। बारिश के मौसम में अपनी दिक्कतें भी हैं वैसे, जो पानी ज्यादा बरसता है वो तो है। हो गया अरे यार, ये गूगल पता नहीं कहाँ से ले आया यार, गलियों में से ले आया। अभी जिस गांव से आया उस गांव में भाई सिर्फ गाड़ी निकलने की जगह थी, दोनों तरफ रिस्क था गाड़ी लगने का, और ऊपर से रेलवे फाटक, वो भी बंदा मेन हाईवे से पता नहीं यार क्यों अंदर रीराउट कर दिया भाई। तुम्हारा 10 पैसा बचा लिया होगा इसने। अरे नहीं चाहिए भाई 10 पैसा, जितनी गाड़ी की मेंटेनेंस लगेगी उससे ज्यादा तो उससे महंगा पड़ेगा अगर गाड़ी लग गई कहीं तो। यार ये तो गूगल हमेशा करता ही है वैसे, गलत है यार, ये सीधा सीधा रोड से लाना चाहिए, गांव से लाना, हाईवे से लाना चाहिए। जब उसको पता है कि 1000 किलोमीटर का रास्ता है तो भाई कभी गांव में घुसाओ मत, घुसाओ नहीं यार, बनता ही नहीं घुसना, मेन रोड से जाएगा बंदा। फीडबैक के लिए कोई चैनल वैनल पता है क्या, मेरे को लग रहा है जब ये जर्नी फिनिश होगी ना तो फीडबैक मांगता मैं उसमें, नॉट सेटिस्फाइड करके आई विल पुट अ रीजन, मे बी इट हेल्प्स। भाई हम तो बहुत परेशान हो गए, गूगल हमें कहाँ ले आया भाई, ये देखो दोनों साइड सिंगल वे रूट है, पता नहीं कौन कौन से गुजरात के गांवों के बीच में से हम होके जा रहे हैं, और 183 किलोमीटर बाद हमें हाईवे मिलेगा इसमें। 183 किलोमीटर हम इसी रोड पे चलने वाले भाई, कितनी शेडी सी रोड है ये, ऊपर से जो बावड़ा है हमारा, ये हम हार्ट के एपिसोड सुना रहे हैं भाई। अरे सही में भाई, तुम्हें सही में क्या होता भाई, एपिसोड एपिसोड होता है उस एपिसोड में भी यही हो रहा था कि भाई उनका शायद जो तीसरा जो लड़के का साला था वो बता रहा था, लेकिन दोनों शॉट थे कि भूत भी होता है, पर भाई उनके घर में भूत घुसा ना भाई। अरे मैं कह रहा हूँ कि हम इस रास्ते पे और ये हमको कहानी सुना रहा है, ओ ये देख के नीचे मत ले भाई, कच्चे मत ले, रास्ते खराब है यहाँ पे, अंदर से मिट्टी थी मुझे ऐसा लगा, ठीक है दब गया, वही दबेगा और क्या दबेगा, यहाँ पे वो है इसके साथ में तुमको सीमेंट की चाहिए रास्ते वाले, रोड तो बनी नहीं है। टैक्स दे रहा हूँ भाई मैं, 2000 करोड़ वहाँ लगाने से अच्छा 2 करोड़ लगा के यहाँ रोड बना देते। अबे रोड तो बनी हुई है साले, रास्ता छोटा मतलब यहाँ से लेफ्ट है, यहाँ फिर वही वाला आ गया, वही वाला आ गया।
जो हमने छोड़ा था। हाँ, जो हमने छोड़ा। फाइनली घर पहुंचने से पहले दुल्हन की धुलाई दोबारा कर। गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी ड्यूरिंग दिस, तो हमने सोचा कि घर पहुंचने से पहले जो है इसको साफ करा दें। ये फाइनली मैं अपने घर आ गया हूँ। हम कल रात से चल रहे थे और 4 बजे मैं अपने घर पहुँचा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस ट्रिप में ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। गूगल बाबा की वजह से 3000 कंप्लीट नहीं हो पाए बिकॉज उन्होंने कोई शॉर्टकट लगा दिए थे। बट अगर हम बात करें एवरेज की, सो इट इज़ 11.6, टोटल किलोमीटर्स आर 2998। सो इट वॉज़ अ ग्रेट जर्नी और बहुत सारी मेमोरीज थी जो हमने इकट्ठी करी। और ये मेरे फ्रेंड्स जाते हुए अपना सामान लगा के अपनी गाड़ी लेके। ब्रो गोइंग, बहुत बढ़िया रहा भाई, 40,000 किलोमीटर हो गए हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा। सबसे बढ़िया लगा मुझे गोवा का बीच, सुनहरा जो हमारे दिमाग में वही रहेगा। कोई नहीं, अंटिल नेक्स्ट टाइम। चल फिर मिलते।